देखने वाले हैं भाई की मतलब गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी मतलब स्टार्टर में प्रॉब्लम मतलब लेट स्टार्ट हो रही है, तो भाई अभी स्टार्ट करके दिखाएगा हमें। तो दोस्तों ऐसी हो रही है, तो अभी भाई देखता है क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ये हमारे सेल्फ ना हीटर आटर नहीं हो रहा है, हीटर ना अच्छा देख लो। तो दोस्तों भाई बोल रहा है अभी हीटर का प्रॉब्लम है इसमें, तो दिखाता हूँ मैं आपको ढंग से मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों ये है मेरी 2013 मॉडल विंगर, टाटा विंगर, तो देख सकते हो आप। तो मतलब मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में होता है दोस्तों हीटर मुझे चले जाते हैं इसके ना। अभी देखते हैं भाई हीटर चेंज करता है गाड़ी के, मुझे उन्होंने कॉल कर दिया था तो भाई चेक कर रहा ढंग से कि हीटर के प्रॉब्लम में क्या सीन है। हीटर प्लग ठीक है, बैठे देखनी पड़ेगी। अच्छा हीटर प्लग ठीक है, कैसे पता चलता है मतलब स्पार्किंग होती है तो मतलब हीटर प्लग ठीक है और अगर नहीं हुआ तो खराब हुआ। अच्छा मतलब चारों में हो रही है, तो दोस्तों देख सकते दिखाना भाई कैसे चारों में आ रहा है। देखिए ढंग से दिखा दोगे, चाबी ऑन कर भाई, चाबी ऑन करो एक बार, ऑफ करके ऑन कर, ऑफ करके ऑन करो। तो दोस्तों देखना वहाँ पे अभी करंट जैसे आएगा, ये देखो दोस्तों आया ना, तो मतलब ये ठीक है अभी, मतलब इसके हीटर प्लग चारों ठीक है ना। अच्छा अब क्या देखना है फिर फॉल्ट बैटरी, बैटरी का। तो दोस्तों देखते हैं अभी बैटरी का, भाई बोल रहा है मेरे को तो हीटर का लग रहा था, हीटर तो नहीं है बोल रहा भाई। अभी एक और देख रहा है भाई इधर वाला चेक करके। तो दोस्तों अभी भाई ने देखा और भाई ने बताया कि जो इसके चारों हीटर प्लग है वो तो ओके हैं बिल्कुल। अब देखते हैं कि जो भाई बोल रहे हैं बैटरी का फॉल्ट है, वो बैटरी भी चेक करते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। फिर अभी जो आवाज़ आ रही थी स्टार्टअप में हीटर में, हाँ बैटरी की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा हीटर में, हाँ जैसे लंबा का भी सेल्फ लेता हूँ। अच्छा मतलब लंबा सेल्फ लेता है तो हीटर या बैटरी की प्रॉब्लम है विंगर में, और गाड़ी में भी होता है सेम ही है मतलब इतने में ही होता है मतलब जितनी हीटर वाली गाड़ी है। हाँ सब में ऐसी है, मतलब सर्दियों में करता है सेल्फ की सर्विस ना करवा तब भी ऐसे करता है वो, कार्बन कभी हीट हो जाते हैं। अच्छा 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 सेल्फ में मतलब कार्बन हीट हो जाते हैं तब ऐसे करता है, ऐसी करती है ये। बैटरी देखेंगे इसमें। अच्छा तो दोस्तों अभी भाई बोल रहे हैं कि बैटरी देखते हैं, तो हीटर तो चारों उसके ठीक थे, आपको दिख रहा है हीटर है ये यहाँ पे, ये देखो भाई नेट लगा रहा है। तो दोस्तों मेरे को हीटर का फॉल्ट लग रहा था क्योंकि मतलब आज से ही गाड़ी प्रॉब्लम हुई और कल से तो नहीं हो रही थी, तो अभी देखते हैं भाई पूरा बैटरी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दोस्तों सर्दियों का टाइम है, इस टाइम होता है प्रॉब्लम बैटरी का हर चीज़ का। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, फिर बताते हैं आपको वीडियो में। भाई अभी चेक कर रहा है बैटरी, मतलब हीटर तो ओके ना चारों, हीटर तो ओके है बिल्कुल। तो दोस्तों मेरे को ये प्रॉब्लम इसलिए लगी कि हम गाड़ी चलाते रहते तो इतना अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब यार गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप नहीं दिखाते हो तो अचानक कहीं रास्ते में रुकी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो दुकान पास में थी तो मैं भाई के पास लेके आ गया, तो अभी भाई देख रहा है बैटरी, देखते हैं भाई बोल रहा था बैटरी में ना फॉल्ट आ गई। कैसे चेक करोगे भाई बैटरी? ग्रेफ्टी से। अच्छा अच्छा ये मीटर है भाई का, तो उस दिन भी मैंने दिखाया था यार बैटरी ना। देखते हैं भाई अभी बैटरी चेक कर रहा है, पानी है भाई इसमें, पानी खत्म हो रहा था, पानी कम है। अच्छा 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 अच्छा, तो दोस्तों इसमें पानी कम बता रहा है भाई, देखते हैं अभी कमी हो गया सब में, पानी सूख रहा था, सूख रहा था। तो दोस्तों देखो फॉल्ट यहाँ निकला कि पानी सूख रहा था, पहले मैंने डाला तो था, मैं आज सोच भी रहा था कि बैटरी चेक करूँ, बैटरी का पानी यूँ खत्म होता है, बैटरी खराब होती है ना तब होता है बैटरी का पानी, ज़्यादा चूस लेता है बैटरी, जैसे खत्म नहीं होता बैटरी का पानी कभी। अच्छा खत्म नहीं होता, जल्दी से नहीं होता। तो अभी देखते हैं दोस्तों भाई भर पाइस में पानी है ही नहीं, पानी डालना पड़ेगा भाई इसमें, पानी फिर लाओ फिर होगा तो वहाँ पे है, लाओ फिर पानी डालो, दो बोतल ले लो ऊपर रखिए। तो दोस्तों भाई ने बताया कि यार इसमें तो बैटरी में पानी नहीं है, देखो दोस्तों फॉल्ट ऐसा पता चला हमें यहाँ पे, देखो दोस्तों इसके अंदर पानी नहीं है। अभी बैटरी नीचे रख के दिखाते हैं हम और फिर देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं है, ग्रेविटी चेक करने का होता है कि मतलब इससे पता चला कि बैटरी ठीक है कि नहीं है। मेन फॉल्ट पता चला कि बैटरी में फॉल्ट निकला, ठीक है दोस्तों बैटरी बाहर निकाल रहे हैं। भाई बैटरी तो कंपनी की है, पावर जोन भाई सो करके बैटरी कमजोर हो गई है खराब, तो देखते हैं अभी भाई डाल रहा है, बिल्कुल नहीं है क्या पानी इसमें? नहीं इससे काम चल गया तो ठीक है, मेरी बैटरी बदलनी पड़ेगी। भाई ऐसा मत बोलो यार, बैटरी तो बहुत सस्ती है ये, है नी कितने की है बैटरी इसकी विंगर की? 12 वोल्ट की होती है ना। हाँ है ना। तो दोस्तों अभी भाई डाल रहा है इसमें पानी, पानी नहीं है ना, डिस्टर्ब वाटर होता है ना ये, बैटरी का अलग आता है ना, और अगर वाला पानी डाल दे जो नॉर्मल होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेन ये है कि इसका पानी होना जरूरी है ना। हाँ इसमें चार्ज में लगा दे थोड़ी देर, कोई दिक्कत है वहाँ चल जाए क्या पता। तो भाई अभी भाई ने इसमें बैटरी का पानी डाला है, मतलब फॉल्ट यहाँ पे था, हम सोच रहे हीटर का फॉल्ट है नहीं, तो दोनों चीज़ का रहता रहता है। अच्छा दोनों चीज़ का मतलब सर्दियों में देखना पड़ता है, अच्छा देखना पड़ता है, तो इनका नहीं हुआ तो सेल्फ का रहता रहता है, सेल्फ का मतलब ना, कार्बन कभी हीट हो जाता है। तो अभी क्या करना है, अभी गाड़ी में लगाना है या अपने दुकान में लगाएंगे, इससे चेक करना है, हल्के से चार्ज करेंगे, हल्के से चार्ज करते हैं ना। दोस्तों अभी बैटरी लेके जा रहे हैं भैया के पास, देखते हैं। और मालिक साहब बढ़िया, तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने विंगर लगा दी है और बैटरी भैया के पास जा रही है, तो देखते हैं यहाँ पे भैया के शॉप में ये भाई कैसा है। तो भाई की दुकान है यहाँ पे गुलफाम,
ये ट्रांसफर नगर में। तो भाई ये है भाई की दुकान, यहाँ बैटरियाँ सब चीज़ मिलती है, मतलब और काम भी होता है। भाई क्या क्या काम होता है यहाँ? और भाई अल्टरनेटर सेल वगैरह सब होते हैं। अच्छा, अल्टरनेटर सेल वायरिंग वगैरह। अच्छा, तो दोस्तों अभी यहाँ पे भाई ने माइनस प्लस में लगाया है, अभी इसको चार्ज करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर ये चार्ज हो गए तो बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं था। तो अभी भाई चार्ज में लगाते हैं। भाई कितने देर तक चार्ज होते हैं मिनिमम, अगर करना चाहे? कम से कम एक घंटा। तो दोस्तों अभी देखते हैं एक घंटा इसे चार्ज करके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये फॉल्ट था गाड़ी में, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं पानी डालूं, बट बैटरी में पानी भाई बोल रहा अगर ख़राब भी होते पानी चूस जाती है, मतलब पूरा पानी ख़त्म हो जाता है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो अभी बैटरी चार्ज हो रही है यहाँ पे भैया की दुकान में। अगर भाई चेक कर रहे हैं, भाई क्या पता चल रहा है इसमें कुछ बैटरी का? गिरी हुई। तो खड़ी कैसे होगी वो? नहीं बैटरी चल रहा है। बैटरी ख़राब है पक्का? जब तक चल रही है जब तक। अच्छा, जब तक चल रही चला ले। अच्छा, तो दोस्तों भाई बोल रहा है ग्रेविटी तो गिर गई ना, कितने में हो रही ग्रेविटी? डाउन है क्या पूरी? तो दोस्तों भाई बोल रहा था बैटरी चेंज करने के लिए, और भाई अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके कि स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई दो घंटे लगाते थे, बोलते भाई ग्रेविटी डाउन हो रही है, क्योंकि बैटरी का 5 साल हो चुका था। तो भाई बोला देख लो अगर चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं डालना। तो नहीं भी कितने की भाई? 3-4 हज़ार की तो होगी ना बैटरी मिनिमम? 12 वोल्ट की होती है ना बैटरी? अच्छा अच्छा। तो भाई भी दोस्तों दिखाता है स्टार्ट करके गाड़ी। तो फॉल्ट दोस्तों यही पता चला कि बैटरी का है, देखते हैं दोस्तों अभी क्या होता है। तो बैटरी का पानी डाला है हम लोगों ने, अभी चेक करते हैं इसको गाड़ी स्टार्ट करके। तो हम करेगा गाड़ी स्टार्ट, प्रेस वहाँ लॉक होगा ना। तो दोस्तों अब दिखाता है भाई स्टार्ट करके। तो दोस्तों गाड़ी 1 मिनट में स्टार्ट हो चुकी है, मतलब बैटरी अभी चल जाएगी बोल रहे भाई, अब करना। तो देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉल्ट था बैटरी का, मतलब भाई ने बोला अभी चल जाएगी चला लो, उसमें पानी कम हो चुका था दोस्तों। तो दोस्तों यही था एक फॉल्ट इसमें गाड़ी में। तो भाई चल जाएगी गाड़ी की बैटरी अभी? नहीं तो नहीं डलवा लेना। अच्छा, फिर नहीं डला लेना अगर दिक्कत करेगी तो। तो भाई चलते हैं अब घर, गाड़ी ऑफ कर दी दोनों भाई ने, अब जा रहे हैं खाना खाने। वो भाई ने बोला कि यार मतलब उसमें बैटरी का जो ग्रेविटी है वो डाउन है, 12 में होती है वो ना कम है बोले। तो बोलता है अभी चला लो भैया आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम देगी तो नहीं डालना बैटरी। गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा, बट अंधेरा होता तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो उजाले में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मेरा स्टैंड था गाड़ी का, अभी मैंने गाड़ी उधर खड़ी करी है। दोस्तों यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी है, तो चलते हैं दोस्तों उधर, आपको दिखाता हूँ मैं अभी गाड़ी कहाँ है मेरी। और जो मेरी गाड़ी है दोस्तों वो आगे खड़ी है वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इसलिए खड़ी करी वहाँ से थोड़ा ढलान है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। भाई सुबह भी दोस्तों स्टार्ट करके गए हैं बुकिंग में, तो अभी वो लोग अंदर हैं, तो गाड़ी अभी स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ दोस्तों कि बैटरी कौन सी ठीक रहेगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का लगा के स्टार्ट होगी, और वो टेक्निक भी बताऊँगा कि धक्का लगा के विंगर कैसे स्टार्ट होती है दोस्तों। तो दोस्तों और मैं बता देता हूँ कि आज वो बैटरी कितनी की होगी, और हम ये वाली बैटरी देखिए मतलब कितना लेस हो सकता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं गाड़ी विंगर कैसे स्टार्ट होगी। और तो अभी बाजे और मैं धक्का लगाने वाले, मतलब मैं तो बैठूँगा ड्राइवर सीट में और बाजे हैं बाहर। तो इनका बाजे सुरेश राणा, इनका नाम है बाजे। तो दोस्तों अब बैठते हैं मैं स्टेयरिंग में और दिखाता हूँ आपको कि जो गाड़ी है वो। तो दोस्तों अब बैठा हूँ मैं स्टेयरिंग में और दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। टेक्निक में बता देता हूँ आपको कि जो गाड़ी स्टार्ट करनी, बाजी इधर है, बाजी देंगे धक्का, ठीक है दोस्तों। अभी मैं गाड़ी दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल भी, और मतलब मॉर्निंग में दोस्तों RPM उठ ही नहीं रहा था, बैटरी डाउन है तो कहाँ से RPM उठ जाएगा। देखो अभी देखो दोस्तों आवाज आई ना, अब हम इसे करेंगे दोस्तों धक्के से स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। अब इस पर डालते हैं सेकंड गियर में, चले बाजे शीशा नीचे कॉलेजमेंट। तो दोस्तों बाजी यहाँ से धक्का लगाने वाले हैं, क्योंकि ढाल में गाड़ी थी तो एक बंदे से हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों देखेंगे कितनी की बैटरी आएगी। तो चलो बाजे धक्का लगा, गाड़ी बंद कर दो ना उधर से, बंद करो मतलब वो बंद करो ना, दरवाज़ा बंद करो ना। तो बाजे यहाँ से कर रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दे रहे हैं, बाजे ने दिया धक्का, देखो इतनी जान है बाजे में, 100 साल के हो गए, रुक जाओ गाड़ी आ रही है, जान खत्म। तो दोस्तों बाजे भी पीछे से धक्का देने वाले हैं वो वहाँ से। तो दोस्तों गाड़ी हिल चुकी है, चलो 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 बाजे चलो 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 अभी सेकंड गियर में है दोस्तों, और मैं करने वाला हूँ गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। चलो बाजे तेज से थोड़ा। तो दोस्तों देखते हैं गाड़ी चल रही है, अब मैं चलो चलो थोड़ा और नहीं हुआ और तो थोड़ा धक्का लगा यार चंदू भाई, थोड़ा तेज से लगाना, मोड़ के आगे उधर से धक्का लगाना तेज से। हाँ उधर साइड घुमाऊंगा गाड़ियाँ, अरे यहाँ नहीं होगी ना, उधर में होगी यार। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट, तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। देखो धक्के से गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम, होगी ना बड़ी गाड़ी स्टार्ट, फोन लेके चल रहा था घंटा। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और चलते हैं हम अभी बैटरी डालने, वेरी गुड, ठीक है दोस्तों चलते हैं हम अभी बैटरी डालने। तो दोस्तों देखते हैं वहाँ पे बैटरी कितने की पड़ेगी हमें और कौन सी हम बैटरी डालेंगे। बाजी कौन सी बैटरी बढ़िया रहेगी? जहाज की कहाँ डालेगी यार उसमें। दोस्तों एमरोन की, अभी देखते हैं हम एक्साइट और कौन कौन सी बैटरी होती है। बाजा
मिनिमम। और एमरॉन हो गई, सोनी की बैटरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चल रहे हैं हम अभी ट्रांसपोर्ट नगर, वहीं पे सारी बैटरियां मिलती है। तो दोस्तों वहीं पहुंच के आपको मैं दिखाता हूं कि कौन सी हमें बैटरी कितने की पड़ेगी और जो ये बैटरी है वो कितने की लेस हो गई। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये देखो कितना बेस्ट लग रहा है, मतलब जो देहरादून स्मार्ट सिटी बनाने वाला है, ये देखो पूरा पेंटिंग देखो दोस्तों कितना बढ़िया है। और हमारे लेफ्ट साइड में है ट्रांसपोर्ट नगर जो हम जाने वाले हैं, इधर अंदर वहाँ बोर्ड लगा है ट्रांसपोर्ट नगर का, वो लिखा है दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर का बोर्ड यहाँ पे, ये देखो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर। भाई रोड भी अच्छी बन गई, यहाँ थोड़ी बहुत खराब है, तो हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ पर होता है सभी गाड़ियों का काम। ठीक है ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पे बाजे और भैया है, देखते हैं अभी कितने की बैटरी है एमरॉन की। और यह है राणा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्कर, 80 एम्पीयर की है, मतलब 4500 की एक्सचेंज में, 1500 उसके। ये वाली लगेगी, हाँ एल आर लगती है। ठीक है तो दोस्तों ये वाली बता रहे मुझे, उतार दे आर्मी, हाँ लगानी तो है यार। आर्मी का दिक्कत है, आरएल में बोल रहे हैं, वो टर्मिनल इधर पर होगा ना, अच्छा हाँ उसमें फिर अलग अलग लग रखा ना वाजे, उसका मुंह जो है ना उसका उधर साइड रखा। तो दोस्तों ये वाली बैटरी है, तो इसकी वो कितनी की है, क्या बोलते हैं उसको, वारंटी 2 साल। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो, अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये है बैटरी, ये है वो बैटरी एमरॉन 80 इसका, वो होता है ना क्या होता है भैया 80 इसका वोल्ट एम्पियर, एम्पियर 80 एम्पियर पावर। तो दोस्तों 80 एम्पियर पावर की है ये बैटरी, भैया ने बताया 4500 की बैटरी है ये। ठीक है मतलब एक्सचेंज में, और वैसे 6500 की है, 1500 मतलब जो आपकी पुरानी बैटरी है उसमें लेस करके ये 4500 की बैटरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और भी बैटरी थी भैया ने बोला, ये आर वाली है ना, ये आर वाली साइड की, क्योंकि इसके टर्मिनल अभी दिखा देता हूं, टर्मिनल उधर इधर होते हैं। पर दोस्तों इसके राइट मुझे लग रहा है उसने लेफ्ट वाली, क्योंकि उसका राइट वाला इधर है। चलो खोल के देखो, तो भैया अभी चेक कर रहे हैं, तो बैटरी तो डालें दोस्तों, भैया ने मतलब बैटरी डालनी, ठीक है भाई, क्योंकि भाई गाड़ी में तो डालनी, बोनट खुला है उसको, नीचे करो खुल जाएगा, इधर से आगे से यहाँ से नीचे करो, इसको दबाओ नीचे, इसकी इधर इधर है ना देखो, यहाँ से बैठा ऊपर उठाओ ना, ऊपर उठाओ, अब नीचे करो बस। तो ये बैटरी है, तो दोस्तों भैया बोल रहे हैं 1500 लेस होने के बाद तब आपको 4500 की पड़ेगी, तो 6500 की टाटा विंगर की बैटरी दोस्तों 80 वोल्ट की, इसमें 80 वोल्ट की डलती है, मतलब 80 एम्पीयर ना, और कम की भी डलती है, अच्छा 80 एम्पीयर की डलती है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, मतलब कल चार्ज में लगाया था मैंने, उसमें पानी डाला था और बैटरी का जो डिस्टिल वाटर होता है उसके बाद वो चली ही नहीं, मतलब सुबह चली और फिर धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ी गाड़ी, तो अभी वो बैटरी डालते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे स्टार्ट होती है गाड़ी एकदम से। तो ये भैया बैटरी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो दोस्तों क्योंकि बैटरी तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि काम ऐसा है कि परमानेंट में चलना रहता है, तो बैटरी कहीं खराब हो गई और गाड़ी रुक गई फिर सेड हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो ये है बैटरी, तो ये है दोस्तों पावर जोन की बैटरी, कौन सी वाली, राइट साइड इधर लगा है लेफ्ट वाला लगा, जो होती है इसमें, अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये है वो बैटरी, क्योंकि ना वो बैटरी में क्या लसेड़ क्या थी पहले भी थी उसमें ना, डाउन हो रही थी वो, ये ऐसी होती है साइड से फुली तो नहीं है ना, नहीं नहीं अच्छा इसकी डेट कहाँ होगी, कुछ नहीं होती, कब की है मतलब ये कुछ कब की है, 9/23 तो इसका बिल मिलेगा ना, बिल बना के देंगे भैया इसका भी बैटरी वाला, जब आप करो ना वीडियो बना, जब हीटर दे देना बस। न्यूट्रल देख लेना, तो बाजी स्टार्ट कर रहे हैं भैया, तो डर रहे, क्यों डर रहे तुम, अच्छा तो बाजी स्टार्ट कर रहे हैं, चाबी वहीं होगी ना ऐसे में, लो हीटर चेक कर लो, गियर में देखना, तो न्यूट्रल डालो गाली ना दो तो बाजे भी चेक कर रहे हैं बैटरी, हीटर देना आता है ना बाजे, रुक जाओ बाजे आगे से जा रहा हूँ मैं पहले, ठीक है बाजे अभी स्टार्ट कर, तो दोस्तों स्टार्ट हो गई गाड़ी, एक ही इसमें कोई दिक्कत नहीं, बैटरी का फॉल्ट था दोस्तों, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो पहुँचो आप बिल बनाओ, भाई को बना दे, चलो ठीक हो गई ना साढ़े किस, बंद करो एक बार दिखाना, पूरे ऑफ करो, अब करना स्टार्ट, रुक जाओ बंद करने दो, चलो स्टार्ट करना। तो दोस्तों एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगी ना गाड़ी बिल्कुल, दोस्तों एमरॉन बैटरी, बैटरी का फॉल्ट था दोस्तों, अब बैटरी का फॉल्ट ओके हो चुका है, तो भैया को पेमेंट देते हैं और चलते हैं अपने पॉइंट में, ठीक है भाई आ जाओ,
गियर में डाल दो गाड़ी, गियर में डाल दो, हैंड ब्रेक नहीं खींचता है, गियर में डाल दो। तो दोस्तों बैटरी का फॉल्ट था, बैटरी डाल दी हमने एमरोन की बैटरी। ठीक है दोस्तों, अब भैया को पेमेंट देते हैं और उसका बिल बनाते हैं, लड्डू खिलाऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, बिल बना दो यार इसका भैया। तो भैया बना रहे हैं बिल, सब डाल दो यार भाई। तो भाई डाल दें गाड़ी का नंबर, तो ये सब बैटरी मिलती है दोस्तों। कार की बैटरी कैसे, हेयर फेयर में कितना है भैया पता है, बताओ। कार की बैटरी वैगनार की 3200 मतलब वापसी में, मतलब वो वापसी में देख है। अच्छा देख, 60 महीने 72 महीने गारंटी। अच्छा अच्छा, वैन की हुई है, वैन की विषय में, वैन की कौन सी चलती है, वाली ना ऊपर वाली। अच्छा उसमें एमरोन की ज्यादा चलती है ना कंपनी, ये पावर जोन की भी चली है 5 साल तो खींच दिया इसने। ये भी एमरोन है, एमरोन होती है, सेकंड ब्रांड एमरोन का, वो फर्स्ट ब्रांड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया दिखा रहे हैं, लिखा हुआ ना अमर राजा। अच्छा हाँ, ये अमर राजा लिखा हुआ, ठीक है, ये इनके मालिक का नाम है अमर राजा। अभी अच्छा अच्छा, ये एमरोन है, हाँ एमरोन ये लिखा हुआ अमर राजा, मतलब वो भी इनके मालिक का नाम है, जैसे कि बाकी दो रेट होते हैं ना नाम अलग, बाकी कंपनी एक ही है दोनों। ये भी दोस्तों भैया ने किया सॉल्व किया क्वेश्चन हमारा, हाँ हाँ, मतलब वो भी एमरोन की बैटरी थी ना, नाम थोड़ा बहुत। अच्छा इलिटो के नाम से थर्ड ब्रांड है, मार दिया भाई स्टैंप। शुभम थापा, और क्या काम होता है भैया, सेल्फ का भी होता है क्या, सेल्फ वायरिंग अल्टरनेटर चार्जर इलेक्ट्रिकल पूरा काम है। अच्छा बैटरी चार्ज ना करता अल्टरनेटर पूरा काम भैया, ट्रक इन्वर्टर वगैरह। ट्रक की बैटरी कितने की होगी कम से कम, ट्रक की मिनिमम जैसे होगी, ये जो नीचे पड़ी है ये 12,500 की है, 12,500 की ट्रक की पल्ले में देखो 7575001806860686 6। तो दोस्तों भाई ने बिल बना दिया है तगड़ा वाला। तो बाजे क्या खाओगे तुम पार्टी, तुमने बैटरी डाली है। दोस्तों ये नई कंपनी आ रही है इल्टो, ये नहीं ब्रांड आ रही है, इनकी तो है ना, ये कंपनी अमर राजा ना, इनकी कंपनी दिखाओ। दोस्तों ये है बिल 24, मतलब दो कितने, 2 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी है दोस्तों। देखो एमरोन बैटरी की, उसमें डाल दो भैया इसकी पैकिंग, आप ठीक। तो दोस्तों पेमेंट करते हैं अभी भैया को, पेमेंट कर दिया, अब चलते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पे। ठीक है भैया, थैंक यू बैटरी के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाजे का थोड़ा काम है, और ये है भैया की दुकान, भैया का नाम है राणा इलेक्ट्रिक वर्कर, मतलब सब काम होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पॉइंट पे, और दोस्तों बैटरी डाल दी है हमने, और देखो फोल्ड था जो बिल्कुल पकड़ लिया था, बैटरी का ही था फोल्ड था। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और चलते हैं अपने पॉइंट में। और दोस्तों वीडियो चलते, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ट्रैवलिंग विद सुबह। तो चले बाजे।